वेलकम स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि दो व्यक्ति का इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो शून्य है और दोनों 200 रुपये पर मंथ बचाते हैं, तो उनका मंथली इनकम क्या होगा। रेशियो दिया हुआ है तो हम कंसिडर करते हैं लेट देयर इनकम बी 9x एंड 7x एंड एक्सपेंडिचर बी 4y एंड 3y। अब क्या है, दोनों हर महीने 200 रुपये बचाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इनकम पार्ट में से अगर एक्सपेंडिचर पार्ट माइनस करें हर एक व्यक्ति का पर मंथ का शेविंग निकल जाएगा। सो लेट अस यूज, तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट का 9x इनकम है और उसका 4y एक्सपेंडिचर है, सो 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 200। और दूसरे पर्सन का क्या है, 7x उसका इनकम है और 3y उसका एक्सपेंडिचर है, और दोनों 200 रुपये बचाते हैं। अब इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 9x माइनस 4y माइनस 200 इज इक्वल टू 0। दूसरे क्वेश्चन को 7x अब इसको सोल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या लिख सकते हैं, कैसे करते हैं, x पार्ट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1। नाउ x पार्ट हाइड कीजिए, सो माइनस 4 माइनस 3 माइनस 200 एंड माइनस 200। y में y पार्ट क्या, तो माइनस 200 प्लस x पार्ट 9 एंड 7। 1 में थर्ड c पार्ट, सो 9 7 माइनस 4 माइनस 3। इसको क्या लिख सकते हैं, x अपॉन माइनस 4 इंटू माइनस 200 मीन्स प्लस 800 माइनस 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 प्लस 600 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 1400 प्लस 1800 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 27 माइनस माइनस प्लस 28। सो x अपॉन ये क्या वैल्यू आ गई, 200 इज इक्वल टू y अपॉन 400 एंड यहां पे 1 अपॉन 1। सो अगर फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट की पेड करते हैं तो क्या होगा, x अपॉन 200 will be 1, so value of x will be 200, और y upon 400 भी 1 है, तो y की value क्या हो जाएगी, 400। अब इनका मुझे monthly income निकालना है, monthly income क्या हो जाएगा, first person का 9x है, so 9 into 200 is equal to 1800, second person का कितना है, 7x, so 7 into 200, that is 1400, इन दोनों का monthly income ऐसे निकल जाए, that's all, thanks.